हे hey, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके और मेरे YouTube चैनल इंडियन टेक हेल्पर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस के बारे में। हालांकि इसकी अनबॉक्सिंग नहीं है, रिव्यू है कि इसके स्पेक्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे जैसे लेटेस्ट वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और दोस्तों वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका ना करते हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। S9 प्लस स्मार्टफोन और इसके बाद चल लेते हैं इसके स्पेक्स की ओर। तो यहाँ पर 6.20 इंचेस का स्क्रीन, HD स्क्रीन मिल जाता है। रेजोल्यूशन आपको 1440x2960 पिक्सल्स में मिल जाता है और HD स्क्रीन मिल जाती है, मतलब इसकी ब्राइटनेस अच्छी खासी रह जाएगी। और यहाँ पे स्टोरेज की बात करें तो 64GB की स्टोरेज आपको मिल जाता है इसमें। और इसके साथ जो है इस यहाँ पे प्रोसेसर है वो है ऑक्टा कोर का। और यहाँ पे रैम जो है 4GB की मिल जाती है, 12 MP का रियर कैमरा है, फ्रंट कैमरा जो है 8 MP और एंड्रॉयड का ओरियो मिल जाता है। तो यहाँ पे बात करेंगे इसकी, टच स्क्रीन जो है फ्रॉम फैक्टर, रिमूवेबल बैटरी नहीं है इसमें, नॉन रिमूवेबल बैटरी का ये जो है फंक्शन मिलता है। इसकी बात करेंगे स्क्रीन साइज़ की तो 6.20 इंचेस का स्क्रीन है और टच स्क्रीन है। यस, रेजोल्यूशन 144x2960 पिक्सल्स पर इंच 531 इस तरह का है, तो अच्छा पिक्सल्स पर इंच का भी इसको मिल जाता है 531। प्रोसेसर ऑक्टा कोर का, कुलाल कोम का स्नैपड्रैगन का आपको 840 वाले यानी हाईली आपको जो है यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 845 यानी हाईली प्रोसेसर आपको मिल जाता है। यहाँ पे इन्होंने जो है सैमसंग ने अच्छा काम किया कि उसने अपना प्रोसेसर एक्सिनोस का नहीं लगाया, वैसे प्रोसेसर जो मेक है क्वालकॉम का इसने बनाया है। यहाँ पे आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज मिल जाएगी 256GB तक, रियर कैमरा 12 MP, रियर फ्लैश जो है LED मिलेगी और फ्रंट कैमरा 8 MP का। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉयड का ओरियो मिलता है आपको। यस, इसमें और भी फीचर 802, यहाँ पे वाईफाई स्टैंडर्ड, ब्लूटूथ वगैरह जो है आपको मिल जाता है, 3.9 SIM जो आप इसमें इंजॉर्ट कर सकते हैं। तो ये थी इसकी स्पेक्स। और दोस्तों इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस इसका कितना है, तो यहाँ पे इसका प्राइस अभी हाल में बताया नहीं गया है, क्योंकि इसका प्राइस हाल की हो सकता है 50-70 हज़ार के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो सैमसंग का गैलेक्सी का S8 था उसका प्राइस है 72,000, तो इसका भी प्राइस कुछ 80,000 के आसपास हो सकता है। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन है और इसमें कुछ खास फीचर्स और कुछ खास फीचर्स नहीं है, तो देखते हैं ये फ़ोन जब देखकर अनबॉक्सिंग के लिए आता है तो देखते हैं कि ये फ़ोन कैसा रहता है। तो दोस्तों आज का वीडियो था इसी के रिव्यू के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगा एक और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।